हेलो गाइस, वेलकम टू जेटी स्टडी। आज मैं पॉलिटी के एमसीक्यू लेकर आई हूँ और ये सारे के सारे एमसीक्यू गाइस सिटीजनशिप से रिलेटेड हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध किससे है? तो गाइस, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध नागरिकता से है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, ये सही है। ऑप्शन बी, अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है, ये भी सही है। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 लागू है, ये भी सही है। भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता के बारे में कहा गया है, तो गाइस ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता को दिखाया गया है और 3 में मूल अधिकारों को दिखाया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। भारत में नागरिकता हासिल करने के कौन सा तरीका वैध है? ऑप्शन ए, जन्म से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, वंश के आधार पर, क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, उपयुक्त सभी के द्वारा नागरिकता हासिल करने का तरीका वैध है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, भारत में एकल नागरिकता का प्रबंध है, ये सही है। भारत में केंद्र और राज्य की नागरिकता अलग अलग होती है, गाइस ऐसा नहीं है, भारत में एकल नागरिकता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए, स्वैच्छिक त्याग से, बर्खास्तगी के द्वारा, नागरिकता से वंचित करके, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर है, उपयुक्त तीनों के द्वारा ही भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। प्रवासी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति। गृह मंत्रालय द्वारा 2002 के बाद से PIO कार्ड धारक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति, एक विदेशी नागरिक जो कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने की योग्यता रखता हो। ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। तो ए और सी ही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन ए में बताया गया है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति है तो उसे प्रवासी भारतीय नागरिक कहते हैं। ऑप्शन सी में, एक विदेशी नागरिक जो कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने की योग्यता रखता हो उसे भी प्रवासी भारतीय नागरिक कहते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 5, संविधान लागू होने के समय स्वतंत्रता, ये सही है। अनुच्छेद 8, भारतीय मूल के ऐसे लोगों की नागरिकता जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं, ये भी सही है। अनुच्छेद 7, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन, ये गलत है। अनुच्छेद 7 में ऐसा नहीं दिखाया गया है। OCI कार्ड धारक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? OCI कार्ड धारक को राजनीतिक अधिकारों की समानता होती है, गाइस यहीं पर ही ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। OCI कार्ड धारकों को राजनीतिक अधिकारों की समानता होती है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गाइस, OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में इसे OCI कहते हैं और हिंदी में भारतीय विदेशी नागरिकता। भारत सरकार ने इस कार्ड को
2 दिसंबर 2005 में जारी किया है। ये कार्ड उस विदेशी नागरिक को जारी किया जाता है जो 26 जनवरी 1950 से पहले या बाद से भारत का नागरिक हो, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में शामिल किसी भाग का निवासी हो या उसके बच्चे या पोते पोतियां भारत के नागरिक हों, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया के सभी देशों को OCI कार्ड जारी किया जाता है। निम्न में से कौन सी सुविधा विदेशियों को भारत में नहीं मिलती है? ऑप्शन ए, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार, ये भी नहीं मिलती है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये भी नहीं मिलता है उनको। अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये भी नहीं मिलती है। तो विदेशियों को भारत में ये तीनों चीज़ें नहीं मिलती हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उपर्युक्त में से कोई भी सुविधा विदेशियों को भारत में नहीं मिलती है। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय मूल के कार्ड धारक यानी कि PIO शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसे, के बारे में सत्य है? ऑप्शन ए, PIO कार्ड धारक भारत में शोधकर्ताओं, पर्वतारोहण जैसे कार्य बिना सरकारी आज्ञा के कर सकता है। ऑप्शन बी, यदि PIO कार्ड धारक 7 वर्षों से भारत में रह रहा है तो उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब PIO के बारे में इस स्लाइड में बताया है। PIO की फुल फॉर्म है पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, हिंदी में इसे भारतीय मूल के व्यक्ति कहते हैं। यह कार्ड 19 सितंबर 2002 से जारी किया गया है। इस कार्ड को वही व्यक्ति हासिल कर सकता है जिसके पास भारत का पासपोर्ट हो। इसके अलावा वह या उसके माता पिता या दादा दादी 1935 से पहले भारत के नागरिक रहे हों। इनमें से चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका को छोड़कर अन्य सभी देशों में PIO कार्ड जारी किया जाता है। हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून कब लागू किया गया? तो 2019 में लागू किया गया अमित शाह के द्वारा, जो कि देश के गृह मंत्री हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया था? तो ये व्यापक नागरिकता अधिनियम लागू किया था 1955 को, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 11 में ये अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 10 भारतीय नागरिक की नागरिकता प्रमाणित करने का उत्तरदायित्व किसे सौंपता है? तो संसद को सौंपता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद स्वैच्छिक आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान करता है? तो ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 स्वैच्छिक आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान करता है। भारतीय मूल के माता पिता, दादा दादी होने पर एक व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 8 में कहा गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया कि व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो भारत का नागरिक है? तो ये कहा गया अनुच्छेद 5 में।
ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारतीय नागरिकता से संबंधित विषयों को लेकर भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो भारतीय नागरिकता से संबंधित विषयों को लेकर भारत सरकार का गृह मंत्रालय उत्तरदायी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सितंबर 2000 में भारत सरकार के द्वारा विदेशी भारतीय नागरिकता के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, एलएम सिंघवी, एपीजे अब्दुल कलाम या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एलएम सिंघवी। पीआईओ जो कि 2003 में कार्ड जारी किया गया था और ओसीआई कार्ड जो कि 2005 में जारी किया गया था उसका विलय कर भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर यानी कि ओसीआईसी योजना कब शुरू की गई? तो गाइस ये शुरू की गई थी 2015 में। 2003 में पीआईओ को निर्धारित किया गया था कार्ड को और ओसीआई को 2005 में कार्ड को निर्धारित किया गया था। फिर इन दोनों को मर्ज करके एक ओसीआईसी बनाया गया यानी कि भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर योजना शुरू की गई थी 2015 में। ये नीचे दिया गया है पीआईओ यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भारतीय मूल का निवासी का विलय ओसीआई ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया में 9 जनवरी 2015 को किया गया यानी कि विलय किया गया जिसका नाम अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर ऑफ ओसीआईसी हो गया है। गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।